वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने प्रोफेस तक कंप्लीट कर लिया था, यहाँ से स्टार्ट करना है इस वीडियो में हमें मेटाफेस से। द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवलप मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ द माइटोसिस। अभी कह रहे हैं जब जो हमारा न्यूक्लियर एनवलप है, जो न्यूक्लियस को कवर करके रखता है, वो पूरा डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, टूट जाएगा, तो वो क्या होगा, वो स्टार्टिंग होगी सेकेंड फेज जो है माइटोसिस की, मेटाफेज। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि पूछ सकते हैं कि जो मेटाफेज है तुम कैसे मार्क करोगे कि वो स्टार्ट हो चुकी है, तो क्या होगा वहाँ पे, जो न्यूक्लियर एनवलप होगा कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेट हो चुका होगा। हैंस द क्रोमोजोम्स आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। और क्रोमोजोम क्या हो चुके होंगे, पूरे स्प्रेड हो चुके होंगे पूरे साइटोप्लाज्म में सेल के। बाय दिस स्टेज, इस स्टेज के टाइम कंडेंसेशन ऑफ अ क्रोमोजोम इज कम्प्लीटेड एंड दे कैन बी ऑब्जर्व क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से PYQ पूछा गया है, कि ऐसी कौन सी स्टेज है माइटोसिस की या सेल डिविजन की जहाँ पे क्रोमोजोम कम्प्लीटली विजिबल, मतलब क्या होते हैं, पूरा उनका कंडेंसेशन कम्प्लीट हो चुका होता है और उनको तुम क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो माइक्रोस्कोप के अंदर, दैट इज मेटाफेज। दिस देन इज द स्टेज एट विच मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोजोम इज मोस्ट ईजिली स्टडीड। और इस लाइन से भी क्वेश्चन पूछा गया और ये इंपॉर्टेंट है कि किस स्टेज में तुम उनकी मॉर्फोलॉजी पढ़ सकते हो, तो एट विच स्टेज द मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोजोम इज मोस्ट ईजिली स्टडीड, वो है मेटाफेज। एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोजोम इज मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड्स। इस टाइम पे जो मेटाफेज क्रोमोसोम्स होते हैं वो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स के बने हुए होते हैं, विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमेयर। और वो आपस में कैसे जुड़े होते हैं, सेंट्रोमेयर के थ्रू। अभी हम डायग्राम में देखेंगे भी, स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ द सेंट्रोमेयर्स आर कॉल्ड द काइनेटोकोर्स। जैसे कि ये हमारा क्रोमोसोम्स होता है, ये हमारा क्रोमोसोम है, ये ऐसे सेंट्रोसोम होता है इसका, और जो यहाँ पे ऐसा डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है उसे कहा जाता है काइनेटोकोर। These structures serve at the site of the attachment of spindle fiber. अब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि स्पिंडल फाइबर कहाँ अटैच होते हैं, तो कहाँ अटैच होते हैं, कनेक्टर कोर पे, फॉर्म्ड बाय द स्पिंडल फाइबर टू क्रोमोजोम। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, साइट है जहाँ पे स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं क्रोमोजोम पे, और फिर वो पोजीशन में जाते हैं अपने सेंटर पे, मतलब जो अलाइनमेंट होता है क्रोमोजोम का पूरे सेल में कि एक सेंटर पे उनको अलाइन होना है, वो इसकी वजह से ही अलाइन हो पाते हैं क्योंकि इस पे स्पिंडल जो हमारे फाइबर्स हैं वो अटैच होते हैं। हैंस द मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय। अब मेटाफेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि तुम कैसे पहचानोगे कि मेटाफेज चल रही है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट, हम किसी भी फेज में क्या पढ़ रहे हैं कि वो कैसे स्टार्ट हो रही है, उसका मार्किंग फीचर क्या है, फिर ऐसे फीचर्स क्या हैं जो उसके अंदर ही मिलेंगे कि जो ये बता पाए कि हाँ भाई ये फेज चल रही है, और ऐसे क्या फीचर्स हैं जिससे ये पता चलेगा कि ये स्टेज खत्म हो चुकी है। तो ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी चीज़ मार्क करती है कि वो फेज स्टार्ट हो रही है, अगला कि कौन सी ऐसी स्टेजेस हैं जिससे पता चलेगा कि ये फेज चल रही है, और लास्ट वाली कि ऐसा क्या है जिससे पता चलेगा कि वो स्टेज ख़त्म हो चुकी है। तो जो मेटाफेज है वो कैरेक्टराइज कैसे होगी कि हाँ ये मेटाफेज फेज है, तो क्रोमोसोम्स कमिंग टू लाई एट द इक्वेटर विद वन क्रोमैटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर टू द स्पिंडल फाइबर फ्रॉम वन पोल एंड इट्स सिस्टर क्रोमैटिड कनेक्टेड बाय द काइनेटोकोर टू द स्पिंडल फाइबर फ्रॉम द अपोजिट पोल। अब देखो इन्होंने पूरा समझाया कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये मेटाफेज है, तो क्या होते हैं इस टाइम पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अलाइन हो जाते हैं बिल्कुल इक्वेटर पे, और उसे हम बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। कैसे कनेक्ट होते हैं, जो एक हमारा क्या है क्रोमैटिड है, एक क्रोमोसोम का एक क्रोमैटिड है, ठीक है, वो कनेक्टेड है काइनेटोकोर से, और उस काइनेटोकोर पे क्या आएगा, स्पिंडल फाइबर आएगा, वो भी एक पोल की तरफ से, दूसरे पोल की तरफ से उसके सिस्टर क्रोमैटिड पे आके फिर से काइनेटोकोर होगा, काइनेटोकोर पे स्पिंडल फाइबर लगेंगे, वो अपोजिट पोल पे होगा। तो कुछ हमारा स्ट्रक्चर्स मतलब ऐसे होते हैं, ये हमारा है, ये और इधर, तो ऐसे ऐसे अपोजिट पोल्स में जाके ऐसे अलाइन होते हैं। अभी हम नीचे देखेंगे इसको, तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है इसके कि मेटाफेज करेक्टराइज होती है जब सारे क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे आ जाएं, एक क्रोमैटिड क्रोमोसोम का कनेक्टेड होगा एक तरफ से और दूसरा कनेक्टेड होगा दूसरे पोल के साइड से। द प्लेन ऑफ द अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम, प्लेन ऑफ द अलाइनमेंट जो ऐसे ये एक प्लेन में अलाइनमेंट हो रहे हैं एट अ मेटाफेज प्लेट, मेटाफेज स्टेज में, उसे कहा जाता है मेटाफेज प्लेट। तो इस अलाइनमेंट को क्या कहा जाता है, मेटाफेज प्लेट। दे
द की फीचर्स ऑफ मेटाफेज। अब की फीचर्स क्या हैं इसके, इसमें क्या मतलब मेन जो हम देखें कि स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएंगे काइनेटोकोर से। देखो ये स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये कहाँ अटैच हो गए, काइनेटोकोर से अटैच हो गए ये सारे। तो ये स्पिंडल फाइबर, और ये क्या है हमारे सेंट्रो, हमने पढ़ा था ना एक तो सेंट्रोमेयर, एक सेंट्रोसोम होता है और एक सेंट्रोमेयर होता है, दोनों चीज़ें अलग होती हैं ठीक है। स्पिंडल फाइबर अटैच है काइनेटोकोर से क्रोमोसोम के, और अब क्रोमोसोम कहाँ जाएगा, मूव करेगा स्पिंडल इक्वेटर की तरफ और अलाइन हो जाएगा, ऐसे मूव करेंगे और एक अलाइन एक प्लेन में ऐसे अलाइन हो जाएंगे, और इस चीज़ को कहा जाता है मेटाफेज प्लेट। तो क्रोमोसोम आर मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइन अलॉन्ग द मेटाफेज प्लेट टू द स्पिंडल फाइबर टू द बोथ पोल्स, और कैसे में बोथ पोल्स पे जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो हमारे आके उनकी मदद से अटैच होके वो पूरे एक सेंटर में आके अलाइन हो जाते हैं। तो मेटाफेज में ये सारे करेक्टरिस्टिक्स देखे कि मेटाफेज में क्या हो रहा था। अब हमने क्या देखा, जो हमारा क्रोमोसोम था कंप्लीट कंडेंसेशन हो चुका होगा, उसकी मॉर्फोलॉजी इजीली विजिबल होगी, माइक्रोस्कोप में उसको आसानी से देख सकते हैं। अब जो वहाँ पे दो सिस्टर क्रोमैटिड से बना हुआ होगा, इस टाइम पे सिस्टर क्रोमैटिड आपस में जुड़े हैं सेंट्रोमेयर से, और सेंट्रोमेयर के पास क्या है, काइनेटोकोर है, काइनेटोकोर से वो ऊपर जाके स्पिंडल फाइबर्स अटैच है वहाँ से, ताकि वो उसको अलाइन कर पाए। तो ये सारा हमने देखा। अब नेक्स्ट फेज आती है हमारी एनाफेज। नेक्स्ट फेज है हमारी एनाफेज। एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेज, जब एनाफेज स्टार्ट होती है तो ईच क्रोमोसोम अरेंज्ड एट द मेटाफेज प्लेट इज स्प्लिट साइमल्टेनियसली एंड द टू डॉटर क्रोमैटिड्स नाउ रेफर टू एज अ डॉटर क्रोमोसोम्स ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियस। अब क्या कह रहे हैं, जब एनाफेज स्टार्ट होती है तो हर एक क्रोमोसोम जो अरेंज था मेटाफेज प्लेट पे, अब वो क्या हो गया, स्प्लिट होगा, टूट जाएगा, और जो दो डॉटर क्रोमैटिड्स थे वो क्या होंगे, यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, और क्या होगा, उन क्रोमोसोम्स को क्या कहा जाएगा, डॉटर क्रोमोसोम्स को। अब जो हमारे सिस्टर क्रोमैटिड्स थे या हम बोल सकते हैं वो सेपरेट हो गए, तो टू डॉटर क्रोमैटिड्स क्या हुए, स्प्लिट हुए, अब उनको क्या कहा जाता है, डॉटर क्रोमोसोम्स कहा जाता है, फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई की, मतलब जो आगे चल के मिलने वाले हैं न्यूक्लियाई में, दैट आर दीज क्रोमोसोम्स बिगिन देयर माइग्रेशन टूवर्ड द टू अपोजिट पोल्स, और वो कहाँ मूव करने लगते हैं, अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। एज ईच क्रोमोसोम मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट, जैसे जैसे हर एक क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट से दूर जाता जाता है, जो सेंट्रोमेयर है ईच क्रोमोसोम का, वो डायरेक्टेड टूवर्ड्स द पोल, वो पोल की तरफ ही डायरेक्टेड रहता है, मतलब ऐसे चलेगा, हैंस द लीडिंग एज विद द आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड। देखो इनका कहने का मतलब है, ये क्रोमोसोम था तो ये यहाँ पे, ये क्या था इसका, सेंट्रोमेयर था, इन्होंने कहा कि जो सेंट्रोमेयर होगा वो इक्वेटोरियल प्लेट से अलग जाएगा, और जो सेंट्रोमेयर होगा हर एक क्रोमोसोम का, वो किसकी तरफ रहने वाला है, पोल की तरफ रहने वाला। मान लो ये सेल है और ये यहाँ पोल है इसके, ये क्या है इसका सेंट्रोमेयर है और यहाँ सेंट्रियोल है ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये सेंट्रोमेयर इधर इस डायरेक्शन में रहेगा, तो ये ऐसे चलेंगे, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, ऐसे इधर की तरफ ऊपर जाते जाएंगे और नीचे वाला इधर जाता जाएगा, ऐसे तो ऐसे क्या होंगे, इनमें सेपरेशन होता जाएगा, ऐसे मूव करते हैं ये, जैसे ऐसे वी शेप, मान लो कि वी शेप में ऐसे ऊपर जा रहे हैं, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं और ये नीचे जा रहे हैं, तो ये इसका सेंट्रोमेयर है और ये पोल्स की तरफ डायरेक्टेड है पूरे सेल में। दस इसलिए इन्होंने लिखा है यहाँ पे कि रिमेन डायरेक्टेड टूवर्ड द पोल, ऐसे लगता है वो पोल की तरफ रहता है, और कैसे लिखता है कि जो उसकी लीडिंग एज है वो, और जो आर्म्स हैं क्रोमोसोम्स की वो पीछे की तरफ चल रही है, ऐसा इस स्ट्रक्चर में चलता है वो हमारा क्रोमोसोम जब मूव करता है। दस एनाफेज स्टेज इज करेक्टराइज बाय, और इसलिए एनाफेज की जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं क्या क्या है, देखो यहाँ समझा देना कैसे चलेगा, आर्म्स की मतलब कोई ऐसे उड़ रहा है, इसकी आर्म्स पीछे की तरफ है और ये इसका जो सेंट्रोमेयर है वो पोल्स की तरफ डायरेक्टेड है। तो इस तरीके से ये मूव करते हैं, तो क्या क्या फीचर है, सेंट्रोमेयर स्प्लिट हो जाएगा, क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएंगे, क्रोमैटिड मूव टूवर्ड द अपोजिट पोल, क्रोमैटिड कहाँ चलेंगे, अपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे। नाउ द लास्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस, दैट इज टेलोफेज। एट द बिगनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ द कैरियोकाइनेसिस, जब फाइनल स्टेज स्टार्ट होती है कैरियोकाइनेसिस की, दैट इज टेलोफेज, तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पहुंच चुके होते हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल्स पे, और अब अपनी इंडिविजुअलिटी लूज करते हैं, मतलब वहाँ पे वो क्या हो चुके थे, पूरे कंप्लीटली कंडेंस हो चुके थे, अच्छे से विजिबल होते हैं। अब क्या होगा, वहाँ पे डीकंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा उनका, द इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन नो लॉन्गर बी सीन, इसलिए हम उन्हें अलग से बिल्कुल नहीं देख सकते। ईच सेट ऑफ क्रोमैटिन मटीरियल टेंड टू कलेक्ट एट ईच ऑफ द टू पोल्स, देखो ये क्या हो गया, इनका कलेक्शन स्टार्ट हो गया ये ऐसे, अब यहाँ पे हमें क्रोमोसोम्स नहीं दिख रहे हैं। दिस इज द स्टेज विच शोज द फॉलोइंग की इवेंट, तो हमें टेलोफेज में क्या क्या दिखता है, क्रोमोसोम क्लस्टर एट द अपोजिट स्पिंडल पोल एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज अ डिस्क्रीट एलिमेंट्स, मतलब क्रोमोसोम क्या हो चुके हैं, अब वापस से क्लस्टर की फॉर्म में आ चुके हैं,
दो अलग अलग पोल्स पे दोनों साइड पे, और उनकी आइडेंटिटी क्या हो चुकी है, लॉस हो चुकी है। न्यूक्लियर एनवलप देखो, जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो न्यूक्लियर एनवलप भी वहाँ पे आने लगा है क्रोमोसोम्स क्लस्टर के आसपास दोनों तरफ, और जो न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स और ER होते हैं वो भी वापस से इसके अंदर बन जाते हैं। तो ये क्या है, हमारी टेलोफेज। अब ये पूरा कैरियोकाइनेसिस हो चुका, न्यूक्लियर का डिवीजन हो चुका, अब क्या करना है, हमें इसको दो सेल्स में डिवाइड करना है। अब जो सेल का डिवीजन है ना, दो टाइप से होता है, एक होता है सेंट्रिपिटल और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल। तो जो सेंट्रीफ्यूगल है वो देखने मिलेगा तुमको प्लांट्स में, और सेंट्रिपिटल देखने मिलेगा तुमको एनिमल्स में। अब इसको तुम देखो कैसे याद कर सकते हो, पी फॉर प्लांट, बट जो पिटल पेटल है, पेटल वो किस में आ रहा है, एनिमल्स के लिए आ रहा है। एनिमल्स ने जो प्लांट की चीज़ें उसको चुरा ली, ये सिर्फ एक ट्रिक है। तो जो हम देख रहे थे सेंट्रिपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, दो टाइप से सेल डिवीजन होता है। जो सेंट्रिपिटल वाला होता है वो एनिमल में देखने मिलता है, तो मैं इसको बताई थी कि इसे तुम कैसे याद कर सकते हो, एक नॉर्मल से ट्रिक है। पी फॉर प्लांट होता है, प्लांट में क्या आ रहा है, पी आ रहा है, लेकिन हम यहाँ की एनिमल्स ने प्लांट का पी चुरा लिया, मतलब सेंट्रिपिटली। तो पी किस में आ रहा है, सेंट्रिपिटल में, वो कहाँ मिलने वाला है, तो वो एनिमल्स में मिलने वाला है। तो बस एक तरीका है याद रखने का कि सेंट्रिपिटल डिवीजन कहाँ देखने मिलेगा सेल में, और सेंट्रिफ्यूगल कहाँ मिलेगा। तो अब पढ़ते हैं हम साइटोकाइनेसिस, क्योंकि हमने कैरियोकाइनेसिस पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियस का डिवीजन हो चुका है। अब न्यूक्लियस डिवीजन के बाद सेल का डिवीजन होना ज़रूरी है। अगर कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता, मतलब सेल का डिवीजन नहीं होता, तो क्या होता है, वहाँ पे पॉलीप्लाइडी आ जाती है, पॉली न्यूक्लियस, बहुत सारे। अब देखो न्यूक्लियस तो दो बन चुके हैं ना, तो पर सेल के होगा न्यूक्लियस का नंबर इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज़ पॉलीप्लाइडी। तो अगर ये क्या है, इसका सिग्निफिकेंस है कि साइटोकाइनेसिस क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा जो न्यूक्लियर मटीरियल, जो जेनेटिक मटीरियल बनाया ताकि उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। तो माइटोसिस एकम्पलिश नॉट ओनली द सेग्रीगेशन ऑफ द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, कि माइटोसिस में केवल सिर्फ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स का ही सेग्रीगेशन नहीं होता इनटू डॉटर न्यूक्लिया, दैट इज कैरियोकाइनेसिस, बट द सेल इटसेल्फ डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स बाय द सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। सेल भी दो डॉटर सेल्स में डिवाइड करता है, कैसे, अपने साइटोप्लाज्म को डिवाइड करके, और उस चीज़ को कहा जाता है साइटोकाइनेसिस। एट द एंड ऑफ विच सेल डिवीजन गेट कम्प्लीट, और तभी सेल डिवीजन को कम्प्लीट माना जाता है जब कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस हो जाए। इन एन एनिमल सेल, अगर एनिमल सेल की बात करें तो ये कैसे होता है, दैट इज़ अचीव्ड बाय द अपियरेंस। कैसे अचीव्ड होता है, एक अपियरेंस आती है फरो टाइप की इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मान लो ये तुम्हारा सेल है, ठीक है, तो ऐसे फरो जैसी अपियरेंस तुम्हें देखने मिलेगी एनिमल्स के केसेस में। अब फरो क्या होती है, धीरे धीरे ना क्या होती है, अंदर की तरफ ऐसे मूव करती जाती है, मूव करती जाएगी और डीपन होती जाएगी। अभी इतनी बनी है, फिर इतनी बन जाएगी, फिर एट लास्ट पूरी ऐसे करके दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ये ऐसे होता है सेंट्रीपिटल डिवीजन, जो किस में देखने मिलता है, एनिमल्स में। द फरो ग्रेजुअली डीपन्स, फरो क्या होती है, धीरे धीरे और गहरी होती जाती है, और अल्टीमेटली ज्वाइन करती है सेंटर पे और डिवाइड कर देती है सेल के साइटोप्लाज्म को दो में। वहीं पे अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में क्या देखने मिलता है, प्लांट जो सेल है, हाउएवर आर इनक्लोज बाय रिलेटिवली इन एक्सटेंसिबल सेल वॉल, उनकी कैसी होती है, इन एक्सटेंसिबल सेल वॉल होती है जो फैल नहीं सकती। देयरफॉर दे अंडरगो साइटोकाइनेसिस बाय डिफरेंट मैकेनिज्म, इसलिए उनके अंदर साइटोकाइनेसिस होता है वो एक डिफरेंट मैकेनिज्म से होता है। इन प्लांट सेल जो वॉल फॉर्मेशन है स्टार्ट होती है सेंटर से। अब देखो ये प्लांट का सेल है, मान लो सॉरी ये प्लांट का सेल है पूरा, तो उसमें कैसे स्टार्ट होती है, वो अंदर की तरफ से करते हैं, मतलब यहाँ से धीरे धीरे ऐसे बाहर की तरफ वो मूव करना स्टार्ट करते हैं। तो वही लिखा है सेल ग्रो आउटवर्ड टू मीट द एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल्स, वो बाहर की तरफ ऐसे मूव करता है और अपनी लेटरल वॉल्स को शायद लेटरल वॉल्स की तरफ मूव करता है ताकि उनसे मिल पाए, और फिर क्या होता है, वो दो सेल्स में टूट जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल वॉल बिगिन विद द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंपल प्रिकर्सर कॉल्ड द सेल प्लेट। तो सेल प्लेट कैसे बनती है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि सेल प्लेट कहाँ देखने मिलेगी तुमको, प्लांट में। कैसे बनती है सेल प्लेट, क्योंकि जो सेल है अंदर की तरफ से बाहर की तरफ मूव कर रहा है और लेटरल वॉल्स को ज्वाइन करेगा। तो ये कैसा है, सिंपली सेल प्लेट फॉर्मेशन होती है वहाँ पे, जो रिप्रेजेंट करता है कि जो मिडल लैमेला है बिटवीन द वॉल्स ऑफ टू एडजेसेंट सेल। अब ये लाइन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि जो सेल प्लेट है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि जो क्या रिप्रेजेंट करेगी, वो रिप्रेजेंट करती है मिडल लैमेला को, जो कहाँ मिलता है, वॉल्स ऑफ टू एडजेसेंट सेल्स, दो एडजेसेंट सेल्स के बीच में जो मिडल लैमेला मिलता है वो रिप्रेजेंट करती है ये सेल प्लेट। एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, तो ऑर्गेनली जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये सब भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं दो डॉटर सेल्स में। अब ऑब्वियसली बात है, जो सारी चीज़ें बनी हैं तो उन सबका डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गई, तो ये सब भी क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं
तो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के टाइम पे जो जो ऑर्गेनेल्स बने हैं प्लास्टिड्स वगैरह वो सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं दो डॉटर सेल्स में, और कुछ ऑर्गेनिज्म में अगर कैरियोकाइनेसिस नहीं हो साइटोकाइनेसिस के बाद तो क्या होता है, हमें मल्टी न्यूक्लियेटेड कंडीशन बन जाती है, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में ही समझाई थी कि साइटोकाइनेसिस होना बहुत ज़रूरी है। अगर साइटोकाइनेसिस नहीं होता तो उससे क्या होता है, वहाँ पर मल्टी न्यूक्लियेटेड कंडीशन आ जाती है जिसकी वजह से क्या होता है सिंथेसिस बन जाता है, जिसका एग्जाम्पल है लिक्विड एंडोस्पर्म इन अ कोकोनट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर साइटोकाइनेसिस नहीं होगी तो क्या नहीं होगा। तो ये पूरा साइटोकाइनेसिस था, सेल डिवीजन को सेल साइकिल को तभी कंप्लीट माना जाता है जब कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या हो जाए साइटोकाइनेसिस हो जाए। कैरियोकाइनेसिस में हमने देखा कि न्यूक्लियर का डिवीजन कैसे हो रहा था, बेसिकली अभी हमने माइटोसिस पढ़ा है, माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, माइटोसिस को फर्दर चार स्टेजेस में बांटा गया, दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। प्रोफेज में बेसिकली क्या होता है, क्रोमैटिन मटेरियल जो होता है कंडेंस होना स्टार्ट होता है, धीरे धीरे लेट प्रोफेज तक आता है वो पूरा कंडेंस होता है, न्यूक्लियर एनवलप वहाँ पे गायब हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, सारे ऑर्गेनेल्स जो होते हैं सब डिसअपीयर हो जाते हैं। फिर आती है मेटाफेज, मेटाफेज पे डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम पूरा कंप्लीट हो चुका होता है, डीकंडेंसेशन क्रोमोसोम कंप्लीट हो चुका होता है, क्रोमोसोम को हम आसानी से माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, और यही बेस्ट स्टेज होती है क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी पढ़ने के लिए। तो ये क्या दिखा रहा है कि मेटाफेज स्टार्ट हो चुकी है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या थे कि जो क्रोमोसोम्स थे वो स्पिंडल फाइबर के थ्रू विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच होंगे, स्पिंडल फाइबर जो है काइनेटोकोर से अटैच होगा और क्रोमोसोम अलाइन हो जाएगा तुम्हारा कहाँ पे, मेटाफिजिक प्लेट पे, सेंटर पे जो अलाइन होता है उसे मेटाफिजिक प्लेट कहते हैं या फिर इक्वेटोरियल प्लेट भी कहा जाता है, उस चीज़ को अलाइनमेंट हो जाएगा। अब क्या होगा, फिर आएगी अगली एनाफेज, एनाफेज में जो अलाइन हुए थे इनका क्या होगा, सेपरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा सिस्टर क्रोमैटिड्स का, एक अलग पोल में चलेगा एक अलग पोल में चलेगा, और कैसे चलेगा कि जो तुम्हारा सेंट्रोमेयर होगा उसका डायरेक्शन टूवर्ड्स पोल होगा और जो उसके क्रोमोसोम्स के आर्म होंगे वो ट्रेलिंग बिहाइंड मतलब उसके पीछे चल रहे होंगे, इस तरीके से वो मूव करेंगे, ऐसे मूव करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेज आती है दैट इज टेलोफेज। अब टेलोफेज में क्या होता है, पूरा न्यूक्लियर का डिवीजन अच्छे से हो चुका है अपोजिट पोल्स में, अब वो फिर से डिसइंटीग्रेट होगा, वहाँ पे उसका डीकंडेंसेशन प्रोफेज में हुआ था, अब वहाँ पे वापस से कंडेंस होने लगेंगे, वो वापस से अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देंगे और हमें माइक्रोस्कोप में अच्छे से विजिबल नहीं होंगे, न्यूक्लियर एनवेलप वहाँ पे उनके चारों तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, जो जो ऑर्गेनेल डिसअपीयर हुए थे वो भी वापस से आ जाएंगे। फिर उसके बाद आएगी साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो चुकी है, अब साइटोकाइनेसिस होगा, अब सेल अपने आप को दो डॉटर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, अपने साइटोप्लाज्म को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ये भी दो तरीके से देखा हमने, दो तरीके से होता है, एनिमल में होता है सेंट्रिपिटली और प्लांट्स में होता है सेंट्रीफ्यूगली। तो सेंट्रिपिटली में क्या होता है, सेल बाहर से अंदर की तरफ ऐसे मूव करते हैं और दो सेल्स में डिवाइड जाती है सेल वॉल। सेंट्रीफ्यूगल में क्या होता है, अंदर की तरफ से बाहर तरफ जाते हैं, लेटरल वॉल्स को ज्वाइन करते हैं सेल वॉल और ऐसे दो सेल्स में डिवाइड होती हैं। तो बेसिकली प्लांट में क्या मिलती है, सेल प्लेट फॉर्मेशन मिलती है। सेल प्लेट क्या रिप्रेजेंट करती है, मिडिल लैमेला को रिप्रेजेंट करती है। अगर कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होती तो क्या आती है, सिंथेसियम कंडीशन आती है, मल्टी न्यूक्लियेटेड कंडीशन हो जाती है जिसको सिंथेसियम कहा जाता है और जिसका एग्जाम्पल है लिक्विड एंडोस्पर्म इन अ कोकोनट। अभी तक हमने ऊपर ऊपर से इसको सारा रिवाइज कर लिया है एक बार, जितना हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे हमारा माइटोसिस जो है पूरा कंप्लीट हुआ है, दैट इज इक्वेशनल डिवीजन। और इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहा गया था, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है कि क्रोमोसोम नंबर का रिडक्शन नहीं होता। और हमने स्टार्टिंग में ये भी पढ़ा था कि जो मोस्ट ड्रामेटिक फेज है सेल साइकिल की, दैट इज एम फेज। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट की सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है। माइटोसिस और द इक्वेशनल डिवीजन इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू अ डिप्लॉइड सेल्स ओनली। जो माइटोसिस होती है वो उसी का और ये इक्वेशनल डिवीजन कह लें वो क्या किस लिए रिस्ट्रिक्टेड है, सिर्फ डिप्लॉयड सेल्स में देखने मिलती है। लेकिन हमने इसके कुछ एक्सेप्शन भी पढ़े थे जहाँ पे हमें किस में दोनों में देखने को मिल रही थी, प्लांट में देखा था कि डिप्लॉयड हैप्लॉयड दोनों में मिलेगा और हैप्लॉयड वाला कंटेंट जो हमने देखा था वो था मेल हनी बी ओनली, ठीक है। हाउएवर इन सम लोअर प्लांट्स, वही बता दिए कि कुछ सोशल इंसेक्ट्स में हैप्लॉइड सेल्स में ये डिवाइड करते हैं माइटोसिस से। इट इज़ वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस कि इसका महत्व क्या है, ये चीज़ हो क्यों रही है, अगर हमारी बॉडी में जो भी प्रोसेस होता है ना कुछ सिग्निफिकेंस होता है ऑफ दिस डिवीजन इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। आर यू अवेयर ऑफ द सम एग्जाम्पल वेयर यू हैव स्टडीड अबाउट द हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड इंसेक्ट्स। अभी मैंने बताया था हैप्लॉइड का हम जो पढ़ते हैं वो हमारा है मेल हनीबी वाला। माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ द डिप्लॉयड डॉटर सेल्स विद आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट। वही कह रहे हैं, ये क्या था तुम्हारा क्रोमोसोम था, ठीक है ये क्रोमोसोम था, ये क्रोमोसोम इसका जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट होता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स बनते हैं इसके, अभी ऐसे फिर यहाँ से इनका डिवीजन होता है, ये पूरा सेल है मान लो, फिर ये ऐसे डिवाइड होते हैं अलग अलग चले जाते हैं, तो एक सेल ऊपर बन गया, एक क्रोमोसोम यहाँ आ गया,
दूसरा सेल यहाँ पे आ गया तुम्हारा, वो उसमें भी क्रोमोसोम आ गया, तो कंटेंट तो अब इनके अंदर डिप्लॉयड ही है ना, टू एन कंडीशन मेंटेन है। तो उन्होंने वही कहा है यहाँ पे टू एन कंडीशन मेंटेन रहती है, इनको इसलिए इक्वेशन डिवीजन कहा जाता है क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर रिडक्शन नहीं होता। अगर तुम आगे अभी मियोसिस में देखोगे तो क्या होता है, वहाँ पर क्रोमोसोम नंबर का हाफ हो जाता है, इसलिए उसको रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है और इसको इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। द ग्रोथ ऑफ द मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस। तो जो ग्रोथ होती है, माइटोसिस का काम क्या है, जो हमारी बॉडी में ग्रोथ हो रही है कौन करा रहा है, वो किसकी मदद से हो रही है, माइटोसिस की मदद से हो रही है। सेल ग्रोथ रिजल्ट इन द डिस्टर्बिंग, अब जो सेल ग्रोथ होती है तो वहाँ पे रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का, इसलिए उसको मेंटेन करके रखना, सेल को डिवाइड करवाना ये भी ज़रूरी है। तो एक क्या हो गया इसका फंक्शन कि न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो को वापस से रिस्टोर करना। तो माइटोसिस क्यों होता है, ग्रोथ के लिए होता है, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब होता है, तो और इसको मेंटेन करने के लिए भी माइटोसिस करते हैं। इसलिए जब सेल डिवाइड होगा, अभी हमने देखा था ना कि कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं होगी तो क्या होता है, वहाँ पर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो डिस्टर्ब हो रहा था। अ वेरी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द माइटोसिस इज द सेल रिपेयर। और एक क्या है, जब कोई सेल इंजरी हो जाती है तो सेल को रिपेयर करने का काम भी कौन सा डिवीजन करता है, माइटोसिस डिवीजन करता है। द सेल ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, सेल ऑफ द लाइनिंग ऑफ द गट। अब ये एग्जाम्पल्स दिए हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं, बता रहे हैं कहाँ का तुम्हें माइटोसिस देखने मिलेगा, तो पूरा ध्यान से पढ़ना है इसको, इसको हम अलग अलग से मार्क करते हैं। देखो कहाँ कहाँ बताया, सेल ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस की अपर लेयर में मिलेगा। सेल लाइनिंग द गट, जो हमारी गट को लाइन करते हैं सेल, वहाँ माइटोसिस मिलेगा। ब्लड सेल्स में माइटोसिस मिलेगा, ये बीइंग कॉन्स्टेंटली इनको क्योंकि रिप्लेस करना होता है। माइटोटिक डिवीजन इज द मेरिस्टमैटिक टिश्यू, हमें मेरिस्टमैटिक टिश्यू में भी माइटोटिक डिवीजन दिखता है एपिकल और लेटरल कैम्बियम में। रिजल्ट इन अ कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, इसलिए क्या होती है, वहाँ पे प्लांट की कंटिन्यूस ग्रो आउट होती है थ्रू आउट देयर लाइफ। तो ये था सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, कि माइटोसिस की क्या आवश्यकता है हमारी बॉडी में, क्योंकि कोई ना कोई जो चीज़ होती है या फिर नेचर में तो उसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस ज़रूर होता है। अब हम पढ़ेंगे मियोसिस, यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो चुका है हमारा माइटोसिस। अब बेसिकली मियोसिस को क्या कहा जाता है, रिडक्शन डिवीजन कहा जाता है। तो जो मियोसिस है, हम अभी उसका ये स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, क्या है मियोसिस। द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, की क्या बनाना, ऑफस्प्रिंग्स को बनाना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, उसमें क्या होता है, गैमेट्स का फ्यूजन होता है, और ईच विद अ कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, उनके पास हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, क्योंकि हमें पता है जो गैमेट्स बनते हैं जब उनका फ्यूजन होता है तभी जायगोट बनता है। और गैमेट कहाँ आता है, एक फादर से आता है, एक मेल से आता है और एक फीमेल से आता है, दोनों हैप्लॉइड कंटेंट होता है। जब ये फ्यूज करते हैं तब क्या कंडीशन आती है, टू एन कंडीशन आती है, और तब क्या बनता है, जायगोट बनती है, और इसी को कहा जाता है कि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स हुआ है और क्या बना है, जायगोट। तो गैमेट आर फॉर्म फ्रॉम द, अब ये तो हमें पता ही पूरा प्रोसेस, अभी जो गैमेट्स बने, ये जो गैमेट्स बने ये कहाँ से बनी, इनका भी ये आए, फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, लेकिन ये कहाँ से आया ये भी तो इंपॉर्टेंट है जानना। तो गैमेट बनता है थ्रू मियोसिस। तो गैमेट आर फॉर्म फ्रॉम द स्पेशलाइज डिप्लॉयड सेल, कहाँ से बनते हैं, डिप्लॉयड सेल्स होते हैं उसमें मियोसिस होता है, तब हमारे गैमेट्स बनते हैं। ये जो स्पेशलाइज काइंड ऑफ सेल्स हैं, डिवीजन है, जो रिड्यूस करते हैं क्रोमोसोम नंबर को हाफ में, उन्हें कहा जाता है इस डिवीजन को मियोसिस। प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल, तो इनकी वजह से क्या होता है, हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनते हैं। जिन सेल्स में ये डिवीजन करते हैं वो हमारे सेक्स सेल्स होते हैं, गैमेट सेल्स होते हैं, जहाँ से क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट्स का बनना। तो उनमें जो डिप्लॉयड कंटेंट होता है, लेटेस्ट टू एंड कंडीशन होती है, उसमें मियोसिस होता है, फिर हैप्लॉइड कंटेंट वाले सेल बनते हैं और वो हो जाती है मियोसिस, और क्या बनते हैं, हमारे गैमेट्स बन जाते हैं। मियोसिस इंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। तो मियोसिस क्या इंश्योर करता है, कि जो हैप्लॉइड फेज है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में, वो हैप्लॉइड फेज को इंश्योर करता है, मतलब वहाँ पे गैमेट्स बनाने का काम मियोसिस डिवीजन करवाता है। वेर एज फर्टिलाइजेशन रिस्टोर करता है डिप्लॉयड फेज को। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हैप्लॉइड फेज करवा रहा है मियोसिस, और वही जो डिप्लॉयड फेज है वो कौन रिस्टोर करता है, फर्टिलाइजेशन। वी केम अक्रॉस द मियोसिस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, हम देखते हैं मियोसिस कब होता है, गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे होता है प्लांट्स में और एनिमल्स में। दिस लेड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स, इससे क्या बनते हैं, हमारे हैप्लॉइड गैमेट्स बन जाते हैं। द की फीचर ऑफ मियोसिस आर एज फॉलो, क्या क्या की फीचर है मियोसिस के, अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहला,
Meiosis involve two sequential cycles of the nuclear and cell division called meiosis first and meiosis two. मतलब जैसे अभी हमने mitosis में पढ़ा था कि चार फेज में बढ़ गया था, prophase, metaphase, anaphase, telophase. वैसे meiosis में division तो है, लेकिन further जो meiosis है वो दो stages में बटा हुआ है. That is पहला meiosis first और दूसरा meiosis second. ठीक है. अब जो meiosis first है एक्चुअल में यही होता है reductional division, यही करवाता है reduction. और जो meiosis two है वो बिल्कुल mitosis की तरह होता है. तो इसलिए कई बार इसे mitosis की तरह ही consider किया जाता है कि ये mitosis की तरह ही है. देखो वही बताया, दो sequential cycles है nuclear और cell division की, जैसे कि meiosis first और meiosis two. लेकिन single cycle होती है सिर्फ DNA replication की. अब ये बहुत important है कि DNA replication सिर्फ एक बार होगा. दो वहाँ पे जो सेल साइकिल और सेल डिवीजन है वो भले कितनी बार हो रहा है, दो बार हो रहा है, लेकिन जो क्या है मियोसिस, जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो सिर्फ एक ही बार होगा, वो भी एस फेज में. मियोसिस फर्स्ट इनिशिएट होता है कब, जब पेरेंटल क्रोमोसोम हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड एट द एस फेज. तो मियोसिस फर्स्ट तभी स्टार्ट हो जाता है जब एस फेज में जो पेरेंटल क्रोमोसोम है वो डुप्लीकेट हुए और उन्होंने क्या बनाया, सिस्टर क्रोमेटिड्स बनाए. मियोसिस इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. अब मियोसिस में क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से पी वाई क्यू बहुत बार पूछे गए हैं, बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, ये लाइन तुम्हें एकदम याद होनी चाहिए. मियोसिस में क्या होता है, पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, तभी तो जेनेटिक मटेरियल वहाँ पर शेयर होगा ना, तभी उसी को बोलते हैं, इसी को कहा जाता है कि वहाँ पर क्या होती है, पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की. And recombination between the non-sister chromatids. और recombination कहाँ होता है, non-sister chromatids में. अब non-sister chromatids क्या, समझाते हैं. देखो ये तुम्हारा क्रोमोसोम, अब दूसरा जो रेप्लिकेट हुआ है उसको दूसरे कलर से ड्रॉ करती हूँ मैं, समझना. ठीक है, ये तुम्हारा है यहाँ पे रेप्लिकेटेड वाला. अब देखो ये दोनों जो हैं, ये और ये क्या कहलाए जाएंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स, क्योंकि एक क्रोमोसोम के हैं. लेकिन एक पर्पल वाली और एक ऑरेंज वाला, एक येलो वाला सॉरी, पर्पल और ऑरेंज क्या होंगे, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं. क्या है ये, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, समझे. अभी नहीं समझे तो और आगे अच्छे से समझ आएगा. तो अभी इतना याद रखो कि पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स में, और जो रिकॉम्बिनेशन होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. होमोलोगस क्रोमोसोम ये है, लेकिन इसकी जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है उसमें क्या होने वाली है, वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होगा और पेयरिंग होगी होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में. फोर हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकंड. मियोसिस सेकंड के टाइम पे चार हैप्लॉइड सेल्स मिलते हैं, दो हमने माइटोसिस में देखा था कि सिर्फ वन दो मिलते थे. तो मियोसिस सेकंड में एंड पे चार कैसे मिलते हैं, एक मियोसिस फर्स्ट से आएंगे दो, और दो आएंगे मियोसिस सेकंड से. तो एट लास्ट टोटल में मिलते हैं चार हैप्लॉइड सेल्स. मियोटिक इवेंट कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फेजेस. मियोटिक इवेंट्स को चार फेजेस में और यहाँ नीचे बांटा गया है, देखते हैं. मियोसिस फर्स्ट की वही चार फेजेस हैं, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट. मियोसिस सेकंड की है प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टेलोफेज सेकंड. अब जो ये मियोसिस फर्स्ट होती है, इसमें जो प्रोफेज है ना उसके फर्दर और पाँच फेजेस होती हैं, उसको फर्दर पाँच में और बांटा गया है. वो कौन कौन सी होती है, उसकी ट्रिक है ले जाओ पर दे देना. दैट इज लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस. इन फेजेस के नाम याद होना और सीक्वेंस में याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आधी चीज़ें इसी से सॉल्व हो जाती हैं और याद करने में भी आसानी होती है. तो ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी ट्रिक है ले जाओ पर दे देना. अब कोई तुमसे तुम्हारा पेन लेके जा रहा है तो तुम उससे कह रहे हो हाँ भाई ले जा पर दे देना मुझे, तो ले जाओ पर दे देना. तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, ये क्या है, इसकी पाँच फेजेज़ हैं. किसकी फेजेज़ हैं ये, प्रोफेज फर्स्ट की. तो
तो मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट फर्दर डिवाइडेड है पांच फेजेस में, दैट इज लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। फिर उसके बाद आती है मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, फिर आती है टेलोफेज फर्स्ट, फिर उसके बाद इन दोनों के बीच में एक फेज आती है मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड के बीच में, उसे कहा जाता है इंटरकाइनेसिस फेज। वहाँ पर सेल वापस से रेस्ट करता है लेकिन वहाँ पर सारी चीज़ें डुप्लीकेट होते हैं लेकिन डीएनए को छोड़ के, क्योंकि डीएनए सिर्फ एक ही बार एप्लीकेट होता है। इंटरकाइनेसिस आती है, फिर उसके बाद क्या होता है मियोसिस सेकेंड स्टार्ट होता है, फिर उसकी वही फेजेस चलती हैं प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टेलोफेज सेकेंड, और ऐसे एट लास्ट में ये कंप्लीट होता है और हमें वहाँ पे चार सेल्स मिल जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस ऐसे चलता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे मियोसिस फर्स्ट से, तब तक इसको पढ़ लेना। और मियोसिस फर्स्ट जो ये मियोसिस है उसको समझने के लिए पूरा माइटोसिस दिमाग में क्लियर होना चाहिए, तभी तुम डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि तुमने वहाँ क्या पढ़ा था और इसमें क्या पढ़ा था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बेसिक बिल्डिंग चैप्टर है, इससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट बनते हैं। अगर तुम इसको अच्छा हो जाएगा तो तुम्हें आगे चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। जैसे रिप्रोडक्शन पढ़ोगे, वहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ोगे कि स्पर्म कैसे बनता है, तो उसमें ये चीज़ लगेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, बेसिक चैप्टर है, ये आने चाहिए। तो अब तक इतना पढ़ लेना, अगर तुम्हें कोई डाउट आए तो मुझे बता देना, मैं उसको सॉल्व कर दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।